देखिए फ्रिज में रखा था करेला, फ्रिज में ही हमारी करेला ज़्यादा पक गया है और फूल जैसे बन गया है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, बनाएंगे इसका एक रेसिपी बनाएंगे। इसको ना हम बीजा को फेंक देंगे और अच्छे से धो के काट लेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए बीजा को हम अलग कर लिए। इस बीजा को आप फेंकिए मत, इसको गमला में लगा दीजिए, अच्छे से धो लेंगे। दो तीन बार हम धो लेंगे। हमने अच्छे से धो लिया, अब हम छोटा छोटा करके काट लेंगे। देखिए इसको करेला को हमने काट लिया। हमने ले लिया दो हरी मिर्च, छोटा साइज का एक प्याज, छोटा साइज का एक टमाटर, धनिया पत्ती। चलिए गैस पर चलते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे तेल। करेला प्याज नमक लाल मिर्च हल्दी पाउडर गैस को तेज कर देंगे। गैस को हम बढ़ा देंगे। आज के बाद आप पक्का करेला को कभी नहीं फेंकेंगे। देखिए आप डाल देंगे हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर हमारा गल चुका है। अब हम डाल देंगे बड़ा चम्मच शक्कर। धनिया, धनिया पत्ती, डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगता है। गैस को हम बंद कर देंगे। हमारी करेला बनके तैयार है। आपको हमारी छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।